नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 13 से 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। जसपुर जिले के पत्थल गांव को निम्न में से क्या बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है? नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। कौन छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? श्री विष्णुदेव साय चुने गए हैं। देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रायपुर कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में नियत निर्णय योजना अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने जॉब कार्ड बनाए गए हैं? 449 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में किसे राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? श्रीमती अंजू बारसे और श्री गंगाधर रानेम को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए आपके द्वार आयुष्मान संचालित किया जाएगा? कबीरधाम में संचालित किया जाएगा। संत श्री तुलसीदास जी के दोहों पर आधारित कार्टून पुस्तक तुलसी सुगंध का विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है? तो कलंगा को जो है छत्तीसगढ़ी की उपभाषा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बेमेतरा जिले में किया गया है। विश्व बांस दिवस के अवसर पर 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। बेमेतरा जिला के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टावर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन वाला यह टावर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े श्री गणेश वर्मा ने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर जो है, मतलब बैम्बू टावर, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बनाया गया है। इसका लोकार्पण किसने किया है? श्री नितिन गडकरी जी ने किया है, जो केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। कब किया है? विश्व बांस दिवस के अवसर पर 18 सितंबर 2024 को इसका लोकार्पण इन्होंने किया है। ठीक है, अब निर्माण किसने किया है? तो बेमेतरा जिले के जो है ना ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग जो है ना, इन्होंने इस टावर का निर्माण किया है। ठीक है, यह टावर वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वॉच टावर, टेलीकॉम टावर, ट्रांसमीटर टावर और रेडियो टावर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है, इस टावर की ऊंचाई जो है ना वो 140 फीट की है। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वन अधिकारी को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरुण जैन को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वरुण जैन को दिल्ली में कार्यक्रम में संरक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने उन्हें बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन श्रेणी में इस अवार्ड से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर आधारित ऐप है, जिसमें ग्रामीणों को हाथी विचरण की सूचना ऑटोमेटेड कॉल्स, SMS एवं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मिल जाती है। इसकी रेंज है ना 10 किलोमीटर पहले ही अगर कुछ होता है तो इसकी सूचना जो है मिल जाती है। ठीक है, इस ऐप के सफल प्रयोग के बाद
अब इसका उपयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वन मंडल कर रहे हैं। और जो है ना, फरवरी 2023 से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। और इस ऐप का सफल परीक्षण जो है यही किया गया था उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। उसके बाद इसका उपयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वन मंडल कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कब किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर 2024 को किया है। दोस्तों इस पे ध्यान रखिएगा, इसका लोकार्पण जो है पहले 15 सितंबर 2024 को होने वाला था, पर किसी कारणों से इसके तिथि को बदलकर 16 सितंबर 2024 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग विशाखापट्टनम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को लोकार्पण किया। दुर्ग से विशाखापट्टनम 566 किलोमीटर का सफर तय करने में इस ट्रेन को करीब 8 घंटे का समय लगेगा। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन है। इस ट्रेन को रायपुर स्टेशन से संचालन शुरू किया जाएगा और इस ट्रेन का नियमित सेवा जो है ना वो 20 सितंबर से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, दुर्ग रायपुर विशाखापट्टनम, ठीक है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम है। 16 सितंबर 2024 को लोकार्पण किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और इसका नियमित सेवा जो है ना वो 20 सितंबर से शुरू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। नक्सल हिंसा से प्रभावित बस्तर के युवाओं को विकास की ओर बढ़ाने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक होने वाले खेलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना है। यह आयोजन ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर, मतलब 3 स्तर पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते लॉन्च किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय जी ने श्रमेव जयते लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने के साथ डैशबोर्ड भी बनाया गया है। यह द्विभाषी रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। यह नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगी। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।